हाल ही में बीपीएल मुक्त घोषित की गई भल पंचायत के कई ग्रामवासी इस फैसले से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि शोर शराबे के बीच पंचायत को बीपीएल मुक्त घोषित कर दिया गया, हालांकि वास्तविकता यह है कि पंचायत में अभी भी कई पात्र परिवार हैं। पंचायत में अभी भी कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस बारे में ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपमंडल अधिकारी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण अमरजीत सिंह, प्रवीण कुमार, देशराज, रवि कुमार, जगदीश चंद, बिमला देवी, रक्षा देवी, सुभाष चंद आदि ने बताया कि पंचायत में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, इसके बावजूद कुछ लोग शोर शराबा डालकर काम कर रहे हैं और पंचायत को बीपीएल मुक्त घोषित करवा रहे हैं। उन लोगों के कहने पर पंचायत को बीपीएल मुक्त भी किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि उस समय जो लोग बीपीएल सूची में आते थे, उन्होंने उनसे गुहार भी लगाई थी कि हमें बीपीएल की सूची से ना काटा जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, सूचना के अभाव के कारण वे ग्राम पंचायत की मौजूदा सभा में नहीं पहुंच पाए। जो लोग आम जलास में आए थे, उस समय उनके हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन जब पंचायत को बीपीएल मुक्त करने का विरोध किया गया तो वहां पर बीपीएल परिवार के सदस्यों से कोई हस्ताक्षर नहीं करवाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की छानबीन करवाई जाए और बीपीएल के नाम भी सूची में जैसे पहले थे उसी तरह रखने की अनुमति प्रदान की जाए। मेरा नाम अमरजीत है, बाल पंचायत से संबंधित हूँ और जो हमारा प्रधान जी और सेक्रेटरी थे, इन्होंने जनरल इजलास 2 अक्टूबर को रखा था, उसमें हम भी उपस्थित नहीं थे, मेरी मिसेज थी उपस्थित, तो उन्होंने कुछ बात उन्होंने से पूछे नहीं, पहले साइन करवा लिए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एजेंडा क्या था क्या नहीं वो किसी को पता नहीं कि क्या एजेंडा, और बाद में उन्होंने कहा कि पंचायत बीपीएल मुक्त है और किसी को भी पता नहीं, जो बीपी वाले थे किसी को पता नहीं, और हमारी ये गुजारिश है कि जो पैसे हैं जैसे रहना चाहिए। एप्लीकेशन दी नहीं उन्होंने साइन, जब भी जनरल इजलास हो पहले साइन लेते हैं रजिस्टर पे, कार्रवाई नहीं बताई कि क्या कार्रवाई है, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि जैसे थे वैसे रहना चाहिए, जो भी परिवार है। कितने परिवार का? 60 परिवार है। 60 ही काट दिया, किसी को पूछा तक नहीं। और जी कौन सी और क्या यहाँ पे मिलना है, क्या समस्या थी आपकी? बिमला देवी, गांव मोई। मेरा नाम बिमला देवी, गांव मोई, बाल पंचायत। आपकी यहाँ समस्या थी, क्या समस्या लेके आए थे? समस्या आंदी है भाई बीपीएल तक क्या कटे पे है, आज खाने कमाने कोई रोजगार नहीं है, मेरा बेटा छोटा हाल है, कमांदा नहीं कुछ, मैं मिंज पेंशन लग रही 1000 रुपया मिलना बस, ये रोजगार है, बेटा कुछ नहीं कमांदा इतना, हाँ तो कुछ बात नहीं हो जाएगी, ये भाई साइन कितने गए दे है तो क्या कटे है, ये समस्या है तो क्या कटे है, किस कारण कटे क्या होया भाई, कुछ नहीं मिल रहा जी, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं कह जो नहीं, कच्चा मकान आ, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ए ए हम जो कैश कारण कटे पे, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला मेरा नहीं है, बच्चा मेरा हाल छोटा, कमाता कुछ नहीं है, ये कैश कारण कटे है, जबरदस्ती काटा जी, जबरदस्ती काटा क्या काटा। तो आप मांग क्या करते हैं? मांगे करते हैं भी हम बीपीएल में डाल जाए।